नमस्कार दोस्तों, हम होंगे कामयाब का इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोगों का मैसेज आया था कि जो ग्लास क्लीनर हम बनाते हैं, हम पिछले वाले जो वीडियो डाले हैं ग्लास क्लीनर बनाते हैं, उसमें हम एसिटिक एसिड डाले हुए हैं और एसिटिक एसिड डालने से उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं जो वीडियो बनाया था आपको SH केलकर का ओरिजिनल परफ्यूम डाला था, उसमें वाटर बेस्ड परफ्यूम, इसलिए मेरा एसिटिक एसिड उसका कलर चेंज नहीं किया था। लेकिन हम उसमें अंदर तक जाके चेक किए कि जो लोकल में जो फ्रेग्रेंस आता है, तो कुछ फ्रेग्रेंस ऐसा है जिसका खुशबू वाला जो ऑयल यूज होता है, वो ऑयल बाद में जाके एसिटिक एसिड के साथ एक माने रिएक्शन करके उसको कलर चेंज करता है। और एक चीज़ है, एसिटिक एसिड इतना दुर्गंध रहता है उसका, मतलब थोड़ा सा खट्टापन का दुर्गंध ज़्यादा रहता है, इसलिए उसमें जो है फ्रेग्रेंस बढ़िया से खुल के नहीं आता। तो सबका रिक्वेस्ट है सर, एसिटिक एसिड के बिना ग्लास क्लीनर बना के दिखाएं। तो आज का एपिसोड उनके लिए है कि बिना एसिटिक एसिड यूज किए आप ग्लास क्लीनर कैसे बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ना छोड़ना, और वीडियो देखने के बाद एक बार लाइक तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मन में अरमान जगता है कि भाई हम एक नया वीडियो और बनाएं। और दूसरा बात ये बोलूँगा दोस्तों कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जो भी लोग मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप में, हम आपको पर्सनल व्हाट्सएप में जोड़े हुए हैं, और आप लोगों को बिजनेस चालू करने के लिए कुछ भी इशू है तो आप हर संडे लाइव में आके हमसे बात कर सकते हैं और अपना दुविधा दूर कर सकते हैं। दूसरा बात, ट्रायल किट आप मंगा सकते हैं, UAB बुक आप हमसे मंगा सकते हैं, और अप्रैल महीना से हम अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू करे हुए हैं। अगर आप अपना वक्त निकाल के आएंगे तो हम आपका यहीं पे ऑनलाइन ट्रेनिंग सॉरी हम यहाँ पे आपका ट्रेनिंग करा के आपको ट्रेनिंग का पूरा चीज़ जो हाउसफुल प्रोडक्ट बनाना है उसको सिखा के छोड़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले एक चीज़ बता दूं, आप लोग जो किट हमको ऑर्डर करते हैं, हमसे जो ट्रायल किट मंगाते हैं, उसमें आप लोग बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि सर किट में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, जो ट्रायल किट होता है, ट्रायल किट में आप जिस आइटम का ट्रायल खुद से करके अपने घर से बिजनेस चालू करना चाहते हैं उसका ही पूरा जो रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल ही उसमें रहता है थोड़ा थोड़ा मात्रा में। तो उसको लेके आप अपने घर में वीडियो देख के खुद का फॉर्मूला बनाओगे, तो इसके लिए आपके समय बच जाएंगे, आपके पैसे बच जाएंगे कि आप यहाँ आके हमसे मिलके ट्रेनिंग लोगे या कोई ट्रेनिंग सेंटर में जाके ट्रेनिंग लोगे, फिर उस फॉर्मूलेशन को सीख के अपना बिजनेस करोगे। आप थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हो तो आप ट्रायल किट मंगा के अपने यहाँ वो पार्ट आप कर सकते हो, खुद अपना फॉर्मूलेशन कर सकते हो, इसलिए हम वो ट्रायल किट रखे हैं एकदम मिनिमाइज प्राइस में। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ बता दूं, ई बुक आप मंगा सकते हैं हमसे, ई बुक आप हमको मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में, तो ई बुक का प्राइस आपको मिनिमम प्राइस है हमारा वो बताएंगे आपको, आप ई बुक मंगा के अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम का डिस्प्ले आप देख सकते हैं यूट्यूब में जाके। अप्रैल महीना से हम अपना लोकल ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू कर रहे हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में, तो आप आके भाग ले सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज देखते हैं आज का एपिसोड। तो दोस्तों, ग्लास क्लीनर बनाने के लिए हम लेंगे बर्तन, फिर उस पर पानी लेंगे 950 ग्राम, ये देखिए 950 ग्राम हम ले लेंगे पानी, एक किलो के लिए 950 ग्राम हम लेंगे पानी। हम पानी ले लिए, मैं तो छोटा क्वांटिटी में बना रहा हूँ, एक लीटर के लिए हम आपको जो लिख रहे हैं स्क्रीन पर लिख के दे रहे हैं उसके हिसाब से आप करिएगा एक किलो। तो फिर हमको इसमें डालना है एसिड स्लरी डालना है 5 ग्राम, 6-7 ग्राम भी आप यूज कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आप डालेंगे 5 ग्राम ही काफ़ी है, अगर अच्छा एसिड स्लरी है तो, क्योंकि कहीं कहीं एसिड स्लरी का भी गलत माल मिल जाते हैं कम ग्रेड का और किसी को पता नहीं चलता, तो थोड़ा 2 ml बढ़ा के डाल दीजिएगा। ये देखिए आप डालेंगे एसिड स्लरी 5 ग्राम, फिर इसको करेंगे मिक्स। पिछली बार हम जो वीडियो बनाए थे उसमें हम यूज किए थे एसिटिक एसिड, लेकिन इस बार हम उसमें यूज करेंगे साइट्रिक एसिड। ऐसे दिखने में से दानादार आता है, देखिए
जैसे पतला चीनी जैसा दानादार आता है साइट्रिक एसिड, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ साइट्रिक एसिड। ये इसलिए हम यूज कर रहे हैं कि बहुत लोगों का इसमें मैसेज आया था कि सर जो एसिटिक एसिड जब हम डालते हैं पानी में तो ये जो है कलर चेंज कर देता है बाद में, तो आपका मटेरियल का क्वालिटी हो जाएगा खराब। ये इसलिए होता है, ये भी आपको बता दूं जो लोग। तो दोस्तों अभी साइट्रिक एसिड डाल देते हैं, पहले 10 ग्राम डालना है साइट्रिक एसिड आपको, तो इससे जो है आपका क्लास क्लीनर बनकर तैयार हो जाए। तो दोस्तों अभी आज के मुद्दे पे जो हम लोग सेंट यूज करते हैं आजकल, क्या ना मार्केट में जैसे एसएच केलकर का आप सेंट यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है काला नहीं पड़ता, मैंने कलर चेंज नहीं होता, कलर चेंज होता है मैंने वो काला पड़ जाता है। एसिटिक एसिड के साथ दूसरा जो ब्रांड के आते हैं कुछ कुछ फ्रेग्रेंसेस, जिसको डालने के बाद क्या होता है वाटर बेस्ड फ्रेग्रेंस डालने के बाद वो धीरे से उसका कलर को चेंज कर देता है, इसलिए मटेरियल का ग्रेड खराब होता है। आप साइट्रिक एसिड यूज करेंगे तो कलर चेंज होगा नहीं, तो आपका मटेरियल एकदम पूरा प्योर कोलिन जैसा दिखेगा ताकि आप मार्केट में बिजनेस कर सके। अब इसके बाद आप डालेंगे कलर, ओशन ब्लू कलर, हम डाल दिए ओशन ब्लू कलर, उसको करेंगे मिक्स। देखिए आपका ग्लास क्लीनर का कलर पूरा एकदम खुल के आ रहा है। यहीं पे आप डाल देंगे इसमें परफ्यूम, वाटर बेस्ड परफ्यूम 1 लीटर में 1 ml या 2 ml आप डालेंगे। अब आप उसमें यूज करेंगे आईपीए 50 ml आईपीए, ये है आईपीए। दोस्तों आईपीए 50 ml डालने के लिए बोलूंगा, कभी कभी थोड़ा सा 10-20 ml ज्यादा लगा दीजिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा व्हाइटनेस आ जाता है कोई कोई मटेरियल में, जैसे आप फ्रेग्रेंस डालेंगे वाटर बेस में, तो इसलिए थोड़ा ट्रांसपेरेंट करने के लिए आईपीए आपको 10-20 ml ज्यादा लग सकता है। ये देखिए आपका ग्लास क्लीनर प्योर ट्रांसपेरेंट बन के तैयार है, आप इसको बिजनेस के तौर पर ले सकते हैं। और इस बार हम आपको ये बता दिए कि जो बहुत लोगों का मैसेज आया था कि सर एसिटिक एसिड यूज करने से एक तो फ्रेग्रेंस भी कम हो जाता है, दूसरा टाइप का फ्रेग्रेंस आता है और उसमें जो है कलर चेंज हो जाता है, तो ये दोनों इश्यू आपका सॉल्व हो जाएगा आप अगर एसिटिक एसिड की जगह साइट्रिक एसिड यूज करेंगे। तो आजकल इतना ही, जय हिंद।